फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना के संग। रीना के संग रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ आज करोलबाग। जो कल मेरा काम पेंडिंग रह गया था वो आज मैं पूरा करने जा रही हूँ। तो बस अब मैं निकलने वाली हूँ। अभी बज चुके हैं, दिन के 1:30 बज चुके हैं और मैं निकलने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ आज करोलबाग, तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं जा रही, कुछ काम है वो निपटाने जा रही हूँ। पहुंच चुकी हूँ और जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ तक आ चुकी हूँ। अब मैं फटाफट से अपना डॉक्यूमेंटेशन का जो भी मेरा काम वाम है वो करवाती हूँ और फिर आगे ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। तो वैसे पहुँच गई करोल बाग, बहुत गर्मी है। A few moments later. तो गाइस, अभी अभी चैतन्या स्कूल से आई है और ये देखो दोनों वेट कर रहे हैं कि दीदी कब इनको प्यार करेगी। क्या हुआ, क्या बात है? ये दीदी आई है स्कूल से और ये दोनों करें। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कौन आया? बिल्लू आई होगी, कुछ तो दिखाया इनको। ये देखो टिश्यू पेपर से खेल रहे। इधर आओ, अब दीदी बुलाएगी इनके। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो। दोनों कितने हैप्पी हो जाते हैं दीदी को देख के। इतना प्यार करते हैं दोनों, चैतन्या को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना। अरे भैया, ये देखो, ये देखो इसकी चाल देखो, इसकी वॉक ही अलग है। क्यूटी पाई चेरी, ये हमारी चेरी दीदी के पास। और दोस्तों, आज चैतन्या ने, आज कल भी चैतन्या को अवार्ड मिले थे और आज भी चैतन्या को सर्टिफिकेट मिला है वॉलीबॉल में 3rd पोजीशन। और ये भी मिला है, तो चैतन्या को 2 सर्टिफिकेट आज मिले हैं और ओलंपियाड का पहले मिल चुका है ना चैतन्या? वेरी वेल डन बेटा, इस तरह से सारे। और कल आपने वो भी विन किया है ना, कौन सा वाला? वुड प्रो का सर्टिफिकेट, वो पुट क्या? हाँ, और वो शॉर्ट पुट का भी, शॉर्ट पुट भी 2nd पोजीशन आई है, उसका सर्टिफिकेट कुछ दिन बाद मिलेगा ना। पर मैच हो चुका है ना अभी, जब तक उसके रिजल्ट नहीं आते तब तक हमें मिलेगा नहीं। अरे रिजल्ट आ चुके हैं, सर्टिफिकेट नहीं आते। पहले हमें वैसे वर्बली तो बता देते हैं, वो मतलब कि एक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है। हाँ, तो ये चैतन्या के सर्टिफिकेट, वेरी वेल डन चैतन्या। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन, तो हम लोग आज मंदिर भी आए हैं पूजा करने के लिए। तो शाम को हम नहा धो के फिर से मंदिर आ गए, तो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करेंगे क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन हम लोग ज़रूर मंदिर में एक बार आते हैं। तो चैतन्या के पापा और मैं, हम आए हुए, चैतन्या तो घर में ही है, स्कूल से आई थी थकी हुई थी, तो हम उसको नहीं लाए और हम दोनों ही आ गए। तो यहाँ पे मंदिर में हम पहले पूजा पाठ कर लेते हैं दोस्तों। दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे ले रहे हैं दान के लिए कुछ कुछ चीज़ें, आटा, चीनी, चावल, थोड़ा मंदिर में दान करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे दुकान में भीड़ लगी हुई है, मंदिर में दर्शन करके अब हम ये खरीद के दान करेंगे। चैतन्या के पापा और चैतन्या को थोड़ी सी भूख, जो इवनिंग वाली है वो भूख लगी हुई है, तो मैं उनके लिए स्पेशल स्नैक्स बना रही हूँ। और स्नैक्स जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं सुपर हेल्दी वाले, जो कि मैं बनाने वाली हूँ स्प्राउट से। तो आप देखो, यहाँ पे स्प्राउट्स थे और मैंने इनको थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है और इसमें मैंने सारे मसाले, अदरक, लहसुन, मिर्ची वगैरह डाल दिया है, साथ में यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया। और यहाँ पे मेरा तेल जो है वो गर्म हो रहा है फ्राई करने के लिए इनको। तो ये स्प्राउट्स हैं मूंग दाल के, ऐसे मैंने सारे यूज़ कर लिया, आप इसको देख के पता चल जाएगा। ये मैं रेडीमेड स्प्राउट्स लाई थी, घर में भी बनाती हूँ
पर ये रेडीमेड लाई थी, ये सारे मैंने पीस के इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। मैंने इसमें हरा कच्चा प्याज भी काट के डाला हुआ है, देखो सारा इसको। तो फ्रेंड इस तरह से हाथ में लूँगी मैं, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे इसके कटलेट बनाएंगे ऐसे, और इनको ऑयल में जो है मैं फ्राई कर दूँगी। ऑयल गर्म है अभी काफ़ी, ये देखो इस तरह से डाल डाल के। अभी एक हाथ में कैमरा भी पकड़ा हुआ है ना मैंने, फ़ोन मतलब कैमरा मतलब, मेरे पास कैमरा तो है नहीं, फ़ोन है तो वो फ़ोन पकड़ा हुआ है, और नीचे पीछे एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। अब इस तरह से ये बन चुके हैं मूंग स्प्राउट्स के कटलेट, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्थ में भी अच्छे होते हैं। तो जब भी कुछ तो देखो दोस्तों यहाँ बन रहे हैं हमारे कटलेट मूंग दाल के, बस इसी तरह से इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये ना ज़्यादा जो मूंग की दाल है ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा सोख नहीं करती है, और ये मैं सरसों के तेल पे बना रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल घर का टेस्टी और हेल्दी कह सकते हैं इसको। थोड़ा बहुत फ्राइड है बट फिर भी हेल्दी, क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करेगा, बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा, वेट लॉस में, जो वेट लॉस में भी हेल्प करता है ये। तो जैसे शाम को होता है ना कभी कि समोसे खाने हैं, पकौड़े खाने हैं, चीटिंग करनी है जिस दिन, तो चीटिंग भी बड़े प्यार से हेल्दी के साथ। तो जैसे ये बनेंगे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए टी टाइम की तैयारी हो गई है, यहाँ पे है विद पोटैटो वाले कटलेट, विद पोटैटो और स्प्राउट्स वाले कटलेट। यहाँ पे ओनली स्प्राउट कटलेट है, यहाँ पे पापड़ है, यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी मेरे लिए, और ये डाइट मिल्क है चैतन्य के पापा के लिए, और ये रही इमली और गुड़ की चटनी जो कि मैंने कल बनाई थी ना कल की वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो आज बनके बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो ये है हमारी डिलीशियस चटनी। तो दोस्तों ये कल बना रही थी ना मैं, आप लोगों ने देखा होगा, देखो कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है, ये देख रहे हो। कल मैं बना के दिखा रही थी ना कि मैं चटनी बना रही हूँ पनीर के परौंठों के साथ, तो ये वही चटनी है देखो इस तरह से। अब ये ठंडी होके इस तरह से एकदम बढ़िया बनके तैयार हो जाती है, तो ये भी मैंने बनाई है, तो इसको भी डाल लेते हैं अपने कटलेट्स के साथ, हम ये भी खाने वाले हैं, तो चटनी भी ले चलते हैं। परफेक्टली हमारा जो इवनिंग स्नैक्स है वो तैयार हो चुका है, ये देखो A1। तो इसको ले चलते हैं ऊपर, ले जाना भी एक चैलेंज है मुझे, ले जाना पड़ेगा ये सब, तो लेके चलती हूँ ऊपर इसको। फ्रेंड देखो जितेंद्र सो गई है, पापा उसको उठा रहे हैं खाने, खा ले बेटा खा ले, फिर सो जाइए खा के, ये सो चुकी है, इसको उठा रहे हैं खिलाने। पापा क्या बना है, क्या बनाए पापा? मूंग के पकौड़े। तो आज मूंग ही मूंग हो रखी है, स्प्राउट्स स्प्राउट्स स्प्राउट्स, ये देखो पकौड़े हैं दोस्तों, खा के दिखाओ कैसा है। एंजॉय करता हूं, हेल्दी, आजकल पापा की डाइट जो है वो हेल्दी चल रही है, तो इसलिए हेल्दी चीज घर के बने हुए इवनिंग स्नैक्स चल रहा है यहाँ पे। और इधर रहे चैतन्य के, चैतन्य सोके उठिए, और यहाँ पे ये दोनों चूहे भी हमारे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हो भाई, ये तो हमारी सब कुछ खाती है सब कुछ, मोमो हमारा सब कुछ नहीं खाता है, ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं। हेलो 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 गाइस, बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। A few moments later। तो दोस्तों सब काम हो गया है और अब हमारे सोने की तैयारी हो रखी है, क्योंकि इनकी है छुट्टी आज, तो आज हम सोएंगे थोड़ा सा जल्दी, है ना। तो मंदिर वंदिर गए, घूम के आए और शाम को स्नैक्स भी खाए, सब अपने घूमा, अच्छा लगा मंदिर में, हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ हनुमान जी के, और एंजॉय करके आए दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, करीना के संग रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।